बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नॉन इंटेजर्स से रिलेटेड आज हमारा चौथा लेक्चर है। नॉन इंटेजर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सेपरेटली हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 16 का जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15, उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। बोर्ड के पेपर में ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं ये रिपीट हुए हैं। ईडा में भी अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो इससे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं पिछले 5-6 साल। तो अब हम सबसे पहले जाते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की तरफ। आयुपेक सिस्टम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ऊपर मैंने ये हेडिंग दी हुई है आयुपेक सिस्टम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है अल्केन। अल्केन क्या चीज है? अल्केन आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, जिनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अल्केन के नाम क्षेत्र के लिए आयुपेक सिस्टम क्या, आपको मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे। खाब अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो या अल्कोहल हो, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके होमोलोगस सीरीज के लिए हम वही 4 पॉइंट्स रिपीट करेंगे विद स्लाइट अमेंडमेंट्स, थोड़ा सा हम उसमें चेंज करेंगे। जिस तरह के अल्केन के लिए हम वही 4 पॉइंट्स जब रिपीट करेंगे तो जिस तरह आपको पता है जब हमें कोई कंपाउंड दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ अल्केन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सेकंड, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन के बाद सेकंड जो है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, हम उस मेन चेन को नंबर किस एंड से देंगे, उस एंड से नंबरिंग करेंगे जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए। एंड द थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, किस कार्बन एटम के ऊपर अटैच है। और फोर्थ वन नेम ऑफ द कंपाउंड, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और फिर पेरेंट ने जो हमारा पेरेंट चेन है उसका नाम लिखेंगे। ये आपको पता है। तो ये अल्केन है, कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एग्जांपल नंबर 1। अब इस कंपाउंड का नाम किस तरह लिखेंगे, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, सेकंड वन नंबरिंग, तो नंबरिंग हम किस एंड से करेंगे, दिस एंड विल बी द प्रेफरेबल वन बिकॉज इफ वी स्टार्ट नंबरिंग from the left hand side of this compound or this chain, then substituent would get least number. अब हमारे पास identification of substituent वाली बारी है। तो methyl किस कार्बन के ऊपर है? Second कार्बन के ऊपर। तो हम इस compound का नाम लिखेंगे 2-methyl। Parent chain में कितने कार्बन एटम है? 4। तो 2-methyl butane। इसी तरह दूसरा जो हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, इसमें इसमें भी वही काम हम करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम ये है, न कि ये, क्योंकि उस चेन में 4 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है। सो वी सेलेक्ट दैट कार्बन चेन व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। Then numbering should be started from the end that give smallest possible number to the substituent. तो substituent हमारे पास 2 हैं, methyl methyl. तो हम यूं इसकी numbering करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. इस numbering से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा substituent किस position पर attached है और parent chain में कितने carbon atom हैं। तो मैक्सिमम आला दर्जे में कार्बन एटम की तादाद 5 है,
सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन लिखेंगे, दो सब्स्टिट्यूशन अटैच है, एक कार्बन नंबर 2 के ऊपर और एक कार्बन नंबर 3 के ऊपर। तो इस कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे 2-3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2-3 डाइमिथाइल पेंटेन। इसी तरह तीसरा एग्जांपल हमारे पास है, अगर हमें ऐसा कंपाउंड दिया गया है तो इसमें हम वही तीनों पॉइंट्स रिपीट करेंगे। फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, सेकंड वन, शाबाश, सेकंड वन क्राइटेरिया क्या है, सेकंड वन है नंबरिंग। तो नंबरिंग हम किस सेंस से करेंगे, अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड एंड फोर्थ नंबर पर ला है। तो अब हम नंबरिंग किस सेंस से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इस कंपाउंड में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले बारे में, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2, लेकिन डिफरेंट है, तो उसके लिए क्या फॉलो करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह आपको पता है अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो इस कंपाउंड के लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एक ब्रोमीन है और एक मिथाइल है, ब्रोमीन कार्बन नंबर 3 के ऊपर अटैच है और मिथाइल कार्बन नंबर 4 के ऊपर अटैच है। तो पहले हम ब्रोमीन लिखेंगे अलोंग विद देयर पोजीशन और फिर मिथाइल लिखेंगे, कंपाउंड का नाम होगा 3 ब्रोमो 4 मिथाइल। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सेन। अब ये कंपाउंड देखें, ये भी एक पेपर में आया कि राइट द यूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द यूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम क्या होगा, अगर आप देख लें तो CH3, अगर हम देख लें CH3 कभी भी कार्बन चेन के बीच में नहीं है, ये साइड पर आएगा, तो इसको ड्रा करना बहुत आसान है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, ये एक, तो इसके साथ क्या अटैच होंगे, CH3 का मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि CH3 या CH3 या CH3 का मतलब क्या है, 3 CH3 मॉलिक्यूल एक कार्बन के साथ अटैच है। तो यहां CH3 का मतलब ये हुआ कि ये एक कार्बन है, इसके साइड पर 4CH3 अटैच है। नेम के लिए हम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, लार्जेस्ट कंटीन्यूअस चेन नंबरिंग, दो सब्स्टिट्यूएंट आप अटैच है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्यों, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन नंबर 2 दूसरा भी कार्बन नंबर, अगर मेरे को 2 डाइमिथाइल प्रोपेन तो इसका मतलब क्या है कि दो प्रोपेन है लेकिन हमने एक का पोजीशन शो किया है। आपने आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को फुली आइडेंटिफाई करना है कि उसका नाम क्या है और वो किस कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब जिस तरह के हमें पता चल गया इस चेन का नाम क्या होगा, तो बेटा हम देखें यहां पर लिखा है CH3 What does it mean? It means that in this chain, this carbon containing 2CH3 and CH3 would be drawn or written at the side of chain. तो इसको हम ओपन करेंगे, यू CH3 और CH3। तो अब आप देखें इन दो कंपाउंड में, इसमें और इसमें
कोई फर्क है? नहीं है। आपको देखें यहां CH3 हुआ, 4 लिखा हुआ है, तो यहां भी कितने CH3 है? 4 ही CH3 है। तो दोनों कंपाउंड का नाम सेम होगा, लेकिन आपको डिफरेंट तरह से वो कंपाउंड दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये भी दे सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम भी 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। देखें CH3 तो CH3 होल्ड उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है और फिर CH3 लिखा हुआ है। अगर आप इसको ओपन करें तो यू कैन गेट द आंसर। आप इसको यू नहीं लिख सकते, आप CH3 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। कितने बार बना सकता है? 4। सो इफ वी ड्रा बॉन्ड फॉर दिस कार्बन एटम, सो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन वुड हैव हाउ मेनी बॉन्ड्स? दिस टू कार्बन एटम है 5 बॉन्ड्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। तो इसलिए अगर CH3 आ जाए तो आप उसको एट द मिडल ऑफ द चेन नहीं लिखोगे। इससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ये गलत है। हम CH3 और CH3 को यू लिखेंगे या यू लिखेंगे, इन दोनों का मतलब सेम, नाम भी दोनों का सेम। अब तीसरा एग्जांपल जो मुझे दिया गया, यहां लिखते हैं CH3, इसका मतलब क्या है? CH2 होल 2। अब इसके साथ कोई C अटैच नहीं है, यहां CH3 होल 2 के साथ C था, यहां CH3 होल 4 के साथ C है, लेकिन यहां CH2 के साथ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि CH2 को हम एट द मिडल ऑफ द चेन लिख सकते हैं, क्योंकि CH2 का मतलब क्या है कि इनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहां कार्बन की वैलेंसी सैटिस्फाइड है। ये CH3 अपनी जगह, ये एक CH2, ये दूसरा CH2 और फिर CH3। तो CH2 होल ट्वाइस, होल ट्राइस, होल टेट्रा का मतलब क्या है कि आपने CH2 को उस चेन में लिखना है। अब इस कंपाउंड, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? वेरी गुड, इट इज सिंपल ब्यूटेन। नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल फेडरल बोर्ड के बुक में है और नस के पेपर में ये एमसीक्यूज में आया है कि व्हाट इज द आयोडीन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो जिस तरह इससे पहले हमने प्रैक्टिस की है, यहां पर इसको हम ओपन करके अब लिखेंगे तो यू लिखेंगे CH3 CH2 होल 2 का मतलब क्या है? शाबाश, 2 CH2 सीक्वेंस में लगाए CH2 और CH2, फिर C2H5, फिर यहां H, फिर C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, फिर CH2, फिर CH। अब देखिए इसके साथ क्या लिखा है? CH3। तो हम लिखेंगे CH, एक CH3 यहां और एक CH3 यहां पर लिखेंगे। अब देखें इसको हमने ओपन किया है इस तरह, इनको हमने ओपन किया है यू। तो अब हम इसका आयोडीन नेम लिख सकते हैं। CH2 होल 2 का मतलब क्या है? 2 CH2 लगाए। CH3 होल 2 का मतलब क्या है कि CH के साथ साइड पर, चेन के बीच में नहीं, साइड पर 2 CH3 अटैच करें। अब इस कंपाउंड का हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करेंगे, तो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। अब हम नंबर एक किस एंड से स्टार्ट करेंगे? उस एंड से जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर इस एंड से नंबरिंग करते तो 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स। लेफ्ट हैंड साइड से सब्स्टिट्यूट को नंबर मिल रहा है टू फाइव सिक्स, राइट हैंड साइड से सब्स्टिट्यूट को नंबर मिल रहा है फोर फाइव और एट। तो एक है राइट हैंड साइड से टू फाइव एंड सिक्स, और लेफ्ट हैंड साइड से फोर फाइव एंड ए। अब हम क्या करेंगे, इसका सम लेंगे, जो लोवेस्ट सम होगा दैट विल बी द प्रेफरेबल एंड फॉर नंबरिंग ऑफ कंपाउंड। तो टू फाइव और सिक्स से क्या आएगा सेवन थर्टीन, और इससे क्या आएगा फोर फाइव नाइन, तो ये सेवनटीन। इट मीन राइट हैंड साइड इज द प्रेफरेबल वन। सो हम इसकी नंबरिंग यू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब इस कंपाउंड का नाम किस तरह लिखेंगे, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक है मीथाइल, दूसरा भी मीथाइल, तीसरा भी मीथाइल और चौथा है ईथाइल। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे अब इस कंपाउंड के नेमिंग के लिए। इस कंपाउंड के नेमिंग के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना किस तरह है, इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर मैं मिटा दूं तो इसका हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम यू लिख सकते हैं इस कंपाउंड का। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ईथाइल, तो इस कंपाउंड का नाम होगा सिक्स ईथाइल। फिर टू दो सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन नंबर फोर के ऊपर, तो फोर फोर ट्राइमीथाइल। पेरेंट में कितने कार्बन है नो, तो नोनेन। सिक्स ईथाइल टू फोर फोर ट्राइमीथाइल नोनेन। ये जो मैंने यहां पर कंपाउंड का नाम लिखा है, इस कंपाउंड का नाम ये वाला एमसीक्यूज आया था 2011 में, एमसीक्यूज नंबर 56 ईटा में, ईटा में एमसीक्यूज रिपीट हुआ कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करें। तो मैंने आपको कहा स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करने के लिए हम पेरेंट कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। पहले फाइव कार्बन ड्रा करें, फाइव कार्बन ड्रा करते हैं सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पर है सेकंड पर, फिर हर एक कार्बन के चार चार बॉन्ड कंप्लीट करें। सो द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर दिस पार्टिकुलर कंपाउंड इज टू मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। देखें फाइव इसमें कार्बन है, मिथाइल से कंपोजिशन पर है। इस कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, तो कितने कार्बन है इसमें, फोर मेन पेयर कंपाउंड में आप फोर कार्बन का, फिर इसके बाद दो मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पर है, एक सी एच थ्री यहां लिखे और एक सी एच थ्री यहां लिखे, फिर हर एक कार्बन के चार चार बार कंप्लीट कर एक, तो ये तीन हाइड्रोजन के साथ, इसके फोर कंप्लीट हैं, दो हाइड्रोजन के साथ और थ्री हाइड्रोजन इसके साथ लगाए। सो हमने आज सीख लिया कि अगर हमें कोई कंप्लेक्स कंपाउंड दे दें और उसमें बार चीजों को उन्होंने मिक्स किया हो, जिस तरह सी एच थ्री होल फोर सी एच थ्री होल टू सी एच टू होल टू, तो पहले हमने उसको ओपन करना है, उसको हमने क्लियर करना है, फिर उसके बाद उस कंपाउंड का नाम लिखना है। देन इसके बाद हम जाएंगे नामेंक्लेचर ऑफ अल्कीन।